खेसारी ने अपने नए साल के गाने में आरा का किया इस्तेमाल, तो जवाब में पवन सिंह ने भी छपरा लगाकर खेसारी को कर दिया टारगेट। जी हां, खेसारी लाल और पवन सिंह के न्यू ईयर सॉन्ग के टाइटल ने एक अलग तरह का सवाल ही खड़ा कर दिया है। क्या नए साल के गाने के बहाने खेसारी और पवन एक दूसरे से टक्कर ले रहे हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले खेसारी ने नए साल का गाना रिलीज किया। इस गाने का नाम था धमाका हो यारा में। अब सब जानते हैं कि पवन सिंह आरा के रहने वाले हैं। खेसारी के इस गाने का टाइटल देख पवन सिंह के फैंस को ऐसा लग रहा था कि वो इस गाने के बहाने पवन सिंह के गढ़ पर हमला करने की मौज ले रहे हैं। इस बीच पवन सिंह के फैंस भी उनसे लगातार न्यू ईयर पर बाकी सिंगर को टक्कर देने वाला गाना लाने की गुजारिश कर रहे थे। ऐसे में नया साल आने से ठीक पहले पवन सिंह ने जो गाना रिलीज किया उसे सीधे सीधे पवन का खेसारी को करारा जवाब माना गया। देखिए, पवन के गाने का नाम है छपरा से आफ्ता डांसर। अब ये बात भी सबको पता है कि खेसारी लाल यादव का ताल्लुक सीधे सीधे छपरा से है, यानी कि खेसारी ने अगर अपने गाने में आरा में धमाका करने की बात कही तो पवन ने जवाब में छपरा से डांसर को ही बुलवा लिया। इतना ही नहीं, पवन सिंह ने एकदम और आगे बढ़ते हुए मौज ली और अपने गाने में खुलकर कहा, आरा से होगा अनाउंसर तो छपरा से होगा डांसर। जी हाँ, अब इस लाइन को सुनने के बाद तो पवन सिंह के फैंस और भी गदगद हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पवन सिंह ने खेसारी को एकदम जबरदस्त वाला जवाब दे दिया है। पवन और खेसारी के फैन क्लब के बीच नए साल के गाने और नए गाने के पीछे छिपे मतलब को लेकर इस समय खूब गर्मा गर्म बहस भी चल रही है। कोई कह रहा है कि इस जंग में खेसारी ने पवन पर मौज लेकर विजय हासिल कर ली तो पवन ने बस बात में जवाब दिया है, तो वहीं कोई कह रहा है कि पवन शेर ने जवाब एकदम सवा शेर के अंदाज में दिया और ये वाला गाना तो हमेशा हमेशा के लिए एकदम आग लगा देने वाला है। खैर, शुरू की इस जंग में पवन और खेसारी दोनों के ही फैंस एक दूसरे से खूब मौज ले रहे हैं। आप क्या सोचते हैं आरा और छपरा पर आधारित इन दो न्यू सॉन्ग के बारे में? कौन जीतेगा ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग बनने की जंग, हमें जरूर बताइए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।